नमस्कार फ्रेंड, मैं हूँ टेक्निकल फोर व्हीलर चैनल से। और मैं दोस्तों आज आप सबको बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। दोस्तों आज हमारे पास एक गाड़ी आई हुई है, टाटा कंपनी का टाटा इस गाड़ी है। और दोस्तों इस गाड़ी के अंदर क्या कमी हुआ है, चलिए आज आप सबको बताते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों अभी हमारे पास जो गाड़ी आई हुई है टाटा कंपनी का टाटा है, इसमें स्टीयरिंग जो है एक साइड जो है घूम रहा है और एक साइड नहीं घूम रहा है। तो चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर इस गाड़ी के अंदर क्या फॉल्ट हुआ है कि गाड़ी जो है लेफ्ट साइड में घूम रहा है और राइट साइड में जो है नहीं घूम रहा है। चलिए उस चीज़ के बारे में मैं आप सभी को दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को यहाँ पे घुमा के दिखा देता हूँ। स्टीयरिंग का जो यहाँ पे देख लीजिए व्हील जो है, इसे हम घुमा रहे हैं। राइट साइड में जो है गाड़ी, यहाँ पे आप सब देख लीजिए राइट साइड में घुमा रहे हैं कि यहाँ पर जो है कटिंग हो जा रहा है राइट साइड में। अब चलिए लेफ्ट साइड जो है घुमा के आप सभी को दिखाते हैं। यहाँ पर हम इसे घुमा रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप सब देख लीजिए, अब इससे जो है लेफ्ट साइड में इससे ज़्यादा नहीं घूम रहा है। स्टीयरिंग का जो व्हील है यहीं पे रुक गया है। और पहिया का पोजीशन आप सब देख लीजिए, पहिया जो है इससे ज़्यादा जो है पूरा जो है सीधा की तरफ हो गया है और उससे आगे जो है नहीं घूम रहा है। यहाँ भी आप सब देख लीजिए बिल्कुल सीधा हो गया है और लेफ्ट साइड थोड़ा सा भी नहीं घूम रहा है, क्योंकि राइट साइड में जो घूम रहा था वो मैं आप सभी को दिखाया ही था और लेफ्ट साइड में थोड़ा सा भी नहीं घूम रहा है। यहाँ भी आप सब देख लीजिए बिल्कुल जो है एंड हो चुका है। तब दोस्तों आप सबको बताएंगे कि आखिर गाड़ी के अंदर फॉल्ट क्या है कि लेफ्ट साइड में जो है नहीं घूम रहा है और राइट साइड में खाली घूम रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर एक छोटा सा कमी हुआ है, इसका जो कमानी यहाँ भी आप सब देख रहे हैं, कमानी जो होता है ये कमानी जो है यहाँ पे टूटा पड़ा हुआ है। यहाँ देख लीजिए क्लियर करके, यहाँ पे देख लीजिए कमानी जो है टूटा पड़ा हुआ है। इसी की वजह से दोस्तों जो इसका धुरा है, आगे वाला जो पहिया वाला जो धुरा होता है टूट के और पीछे की तरफ खसक गया है, क्योंकि इसका जो मेन कमानी है वही टूट गया है। तो इसी की वजह से जो है स्टीयरिंग जो है पहिया पीछे की तरफ खसक गया है। यहाँ आप शॉकर के पास देख लीजिए, शॉकर जो है बिल्कुल बीच में होना चाहिए, यहाँ पे खसक के और साइड में आ चुका है। तो हम इस कमानी को खुलवा के और पहले इसे बेल्डिंग करवाना होगा। बेल्डिंग करवाने के बाद जो है पहिया जो है बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, फिर जो है स्टीयरिंग कटने लग जाएगा। तो चलिए पहले इसे कमानी को खुलवाते हैं और बेल्डिंग करवा के, और फिर मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि स्टीयरिंग जो है लेफ्ट साइड में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। यहाँ पे आप सब देख लीजिए, इसे हम खोल के पाती को कमानी को बाहर निकाले हुए हैं और यहाँ पे जो है कमानी जो टूटा हुआ था तो पहले से भी बेल्डिंग हो चुका है और ये है इसका टुकड़ा अभी फ़िलहाल में कहीं टूटा हुआ है। तो इसे हम पहले जुड़वाएंगे, जुड़वा के फिर उसमें फिट करके और फिर आप सभी को दिखाएंगे कि स्टीयरिंग जो है नहीं कट रहा था तो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। पहले इसे बेल्डिंग करवा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप सब देख लीजिए, मैं जो कमानी को खोल के बाहर निकाले हुए थे वो आप सभी को दिखाया ही था। यहाँ पे उसे हम बेल्डिंग करके और इसे लगा दिया है और गाड़ी के अंदर इसे फिट भी कर दिए हैं, क्योंकि आगे वाला जो स्पेंडल है धुरा है उसमें बिल्कुल फिटिंग कर दिए हैं। यहाँ चारों तरफ से मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। अब हम गाड़ी के जो है स्टीयरिंग काट के और मैं आप सभी को घुमा के दिखाऊँगा कि गाड़ी जो है राइट साइड में घूम रहा था और लेफ्ट साइड जो नहीं घूम रहा था। यहाँ शॉकर के पास आप देख लीजिए, शॉकर जो है पहले पीछे की तरफ चल गया था, अब बिल्कुल जो है सेंटर में हो चुका है। अब हम स्टीयरिंग को काटेंगे और आप सभी को दिखाएंगे, गाड़ी जो है एक साइड घूम रहा था एक साइड नहीं घूम रहा था, तो अब जो है घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। चलिए आप सभी को दिखाते हैं, स्टीयरिंग घुमाइए तो भैया यहाँ पे, हाँ काटिए काटिए। पहले आप सब देख लीजिए, पहले उसे घुमा रहे थे लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल ही नहीं घूम रहा था, क्योंकि उसका कमानी जो है टूट गया था और मेन कमानी जो है वही टूटा हुआ था। जैसे उसे स्टीयरिंग को कटाई कर रहे थे, पीछे की तरफ जो है स्पेंडल इसका जो धुरा होता है पीछे की तरफ घसक जाता था और स्टीयरिंग जो है नहीं कटता था, पहिया जो है बिल्कुल सीधा के सीधा रहता था। अब आप चलिए यहाँ पे आप सब देख लीजिए, बिल्कुल घुमा हुआ है, सीधा कीजिए इसे। यहाँ देख लीजिए बिल्कुल घूम रहा है, पहले जो है थोड़ा सा भी नहीं घूम रहा था। चलिए राइट का पूरा राइट साइड में काटिए, यहाँ आप देख लीजिए बिल्कुल मस्त करके घूम रहा है, पहले नहीं घूम रहा था। सीधा कीजिए, सीधा भी हो रहा है, उस साइड काट के देख लीजिए पूरा। अब जो है बिल्कुल बढ़िया करके कटाई हो रहा है, पहले कमानी के टूट जाने की वजह से स्टीयरिंग जो है बिल्कुल फेल हो गया था और नहीं घूम रहा था। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।